तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट के डीपीपी नंबर 14 का डिस्कशन। ये कोटा के क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है जो कि हम कर रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोटा का स्टडी मटेरियल है, ये आपको डाउनलोड करना है हमारी मोबाइल ऐप से, ये फ्री अवेलेबल है सबके लिए। और इन क्वेश्चंस को आप करिए, और इन क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आती है तो रेस्पेक्टिव वीडियो आप देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का पता चले। अगर कोई डाउट है तो उसका सॉल्यूशन आप यहाँ देख पाए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। द रोस्टिंग ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर ओर यील्डेड 71.8 ग्राम प्योर कॉपर। इफ द ओर इज कंपोज ऑफ Cu2S एंड CuS विद 4.5% इनर्ट इम्प्योरिटी, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ Cu2S इन द ओर। और रिएक्शन हमें दो दी हुई है, Cu2S से Cu और CuS से Cu। तो देखिए, ओर में जैसा ये बोल रहा है, Cu2S और CuS दोनों हैं, और दोनों से हमें जब अपन इसको रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ, रोस्टिंग का मतलब होता है O2 के साथ रिएक्शन, तो हमें कॉपर मिलता है प्योर 71.8 ग्राम, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ओर हमने 100 ग्राम लिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 100 ग्राम ओर इज टेकन एंड इट इज सेड दैट 4.5 ग्राम इज प्रेजेंट एज ए इम्प्योरिटी। इसका मतलब अगर मैं ओर में से ये इम्प्योरिटी हटा दूँ तो वी विल गेट 95.5 ग्राम ऑफ द कॉपर कंपाउंड्स। मैं बात कर रहा हूँ कॉपर कंपाउंड्स की, क्योंकि इसमें Cu2S और CuS दोनों ही है। ठीक, तो 95.5 ग्राम में मैंने Cu2S माना है x ग्राम, और रिमेनिंग CuS माना है मैंने 95.5 माइनस x ग्राम। तो परसेंट CuS इसने क्वेश्चन में पूछा है, तो ये हम कैसे निकालेंगे कि x आउट ऑफ 95.5 इंटू 100 जो है, ये Cu2S का परसेंटेज आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, मोल निकाल लेते हैं Cu2S के। इसका मास x ग्राम माना था, अपॉन मोलर मास किया, इसको मैंने ए मोल लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली Cu2S मैंने माना था 95.5 माइनस एक्स ग्राम, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड किया, जो कि कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का 32, ये बी मोल मेरे पास आ गए। ठीक, अब रिएक्शन दी हुई है कि Cu2S विल गिव 2 मोल ऑफ कॉपर, तो 1 मोल से मुझे मिल रहा है 2 मोल, तो ए मोल से जो कॉपर मिलेगा वो कितना मिलेगा मुझे, 2A मोल मिल जाएगा। सिमिलरली Cu2S आफ्टर रोस्टिंग गिव्स कॉपर, तो यूनिटी मेथड से कर रहा हूँ, 1 मोल से 1 मोल मिलेगा, तो बी मोल विल गिव बी मोल ऑफ कॉपर। दैट मीन्स कि टोटल मोल्स ऑफ कॉपर ऑब्टेंड बाई रोस्टिंग 2A फ्रॉम Cu2S एंड बी मोल फ्रॉम CuS, ये हमें किसे मिल रहा है, फ्रॉम Cu2S, और ये हमें मिल रहा है CuS। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि प्योर कॉपर ऑब्टेंड वाज 71.8 ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कॉपर करूंगा मैं, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। आप ये क्या करोगे, ए और बी को यहाँ से उठा के रखोगे, अननोन हमारे पास एक्स है, अननोन हमारे पास एक्स है, तो एक्स निकालते ही हम यहाँ ला के रख देंगे Cu2S के, और परसेंटेज जो है Cu2S की निकाल लेंगे अगर एक्स पता लग गया तो। ये इक्वेशन आप बनाओगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे। चलिए आगे, ये क्वेश्चन है, NaBr यूज टू प्रोड्यूस AgBr फॉर यूज इन फोटोग्राफी। तीन रिएक्शन दी हुई है, Fe+Br2 से Fe-Br2, दूसरी रिएक्शन है Fe-Br2+Br2 से Fe-3Br है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ध्यान देंगे, लिखा भी है नॉट बैलेंस्ड। Fe-3Br है और Na2CO3 की रिएक्शन से Na-Br+CO2+Fe-3O4 नॉट बैलेंस रिएक्शन। ये पूछा हाउ मच आयरन इन ग्राम केजी इज कंज्यूम टू प्रोड्यूस 2.5 × 10³ NaBr। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि NaBr प्रोड्यूस करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा Fe3Br8, ये बनाने के लिए मुझे Fe-Br2 बनाना पड़ेगा, और Fe-Br2 के लिए मुझे आयरन लेना पड़ेगा, तो आयरन पूछा है इसने। तो इनडायरेक्टली सबसे पहले तो मैं मोल NaBr लिख लेता हूँ, जो मुझे केजी में दिया हुआ है, ग्राम में चेंज किया, अपॉन मोलर मास, तो मेरे पास ये एक्स मोल आ गए। ठीक है, चलिए मैंने एक्स निकाल लिया। अब आयरन निकालने के लिए Fe+Br2 से Fe-Br2 मोल मोल एनालिसिस लिखा, NFe/1 NFe/Br2/1। ठीक है, फिर दूसरी रिएक्शन थी 3Br Fe+Br2 से Fe3Br8, इसको रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया 3 यहाँ लगा के, ये मोल मोल एनालिसिस लिख लिया मैंने रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद तीसरी रिएक्शन इसने क्वेश्चन में दी है Fe+Br8 NA2CO3 से
NaBr plus 4 CO2 Fe3O4 हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने बैलेंस किया इसको, इसके आगे कोफिशिएंट 4 लगा दिया, इसके आगे कोफिशिएंट 8 लगा दिया, CO2 के आगे 4 लगा दिया, तो ये बैलेंस होगी हमारी रिएक्शन। हमने मोल मोल एनालिसिस लिखा अपॉन 1 NaBr अपॉन 8। तो NaBr हमें गिवन है क्वेश्चन में, इससे मैं Fe3Br4 निकाल के इस वाले रिएक्शन में लिखूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा FeBr2। FeBr2 को मैं उठा के यहाँ रखूंगा तो मेरे पास मोल Fe के आ जाएंगे, और Fe के मोल आ गए तो हम इससे इसका मास निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन जिसका हिंट मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से इसको सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 90% प्योर Na2SO4 कैन बी प्रोड्यूस बाई 250 ग्राम ऑफ 95% प्योर NaCl। तो हमने ये मान लिया कि x ग्राम Na2SO4 जो है वो हमें जो है सैंपल जो है वो मिक्स करना है, ये हमें जो है x ग्राम जो है वो यहाँ से हमें इसको प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, x ग्राम Na2SO4 सैंपल हमने मान लिया, ये निकालना है मुझे हाउ मेनी ग्राम ऑफ दिस, इट इज 90% प्योर। तो इसका मतलब प्योर मुझे Na2SO4 मिलेगा 0.9x ग्राम, ठीक है। अच्छा 0.9x ग्राम Na2SO4 मिला तो मोल हमारे पास जो है वो कितने आ गए, 0.9x अपॉन, ये मैंने इसका मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो मोल आ गए N1, ठीक। अब हमारे पास 250 ग्राम NaCl सैंपल जिसकी प्योरिटी है 95%, इसमें NaCl का ग्राम आएगा 0.95 टाइम्स ऑफ 250 ग्राम, मोल यदि मैं निकालूं इसके तो इसका मास अपॉन इसका मोलर मास किया तो मोल एन टू आ गया। हम काम करते हैं POC4 सोडियम लगाते हैं तो Na2SO4 कंटेंस 2 मोल ऑफ सोडियम, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, बराबर NaCl में सोडियम है 1 तो मल्टीप्लाइड बाई 1 किया, ठीक है। चूंकि NaCl के मोल मेरे पास है, ठीक है, तो अननोन में क्या निकाल लूंगा, Na2SO4 के मोल, और Na2SO4 के मोल मेरे पास आ गए तो वो कितने थे, इज इक्वल टू एन वन, ठीक है। एन वन में अननोन एक्स आ गया और हमें एक्स ही निकालना था, एक्स ग्राम ऑफ Na2SO4 सैंपल। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपके जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट इसके बाद कर रहे हैं क्वेश्चन, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन में देख रहा हूँ इसमें क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए फोर्थ क्वेश्चन के बाद अब अगला अपन लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने देख लिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है, HCl solution 50% by mass and density is given. It is used to prepare 1 liter of 0.5 molar HCl. What is the volume of sample used for this purpose? ठीक। तो हमें HCl का जो है volume निकालना है, XML मान लिया मैंने, ये निकालना है मुझे। इससे मुझे 1 liter solution तैयार करना है 0.5 molar HCl का। तो HCl के मोल हो जाएंगे 0.5 molality into volume करके किया है मैंने ये, ठीक है। अब देखिए volume XML है, इसकी डेंसिटी हमें दी हुई है 1.25, तो मास निकाल लेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके, इतना मास आ जाएगा। इसमें 50% वेट बाय वेट HCl पड़ा हुआ है, तो 50% HCl बाय मास इसका हो जाएगा, तो HCl का मास हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ दिस मास। तो ये मास आने के बाद मोल HCl जो है इसका मास अपॉन मोलर मास 36.5, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HCl पानी मिलाने के बाद जब डाइल्यूट करेंगे तो HCl जो है हमें इतना होना चाहिए सॉल्यूशन में। तो HCl के मोल 0.5 रखे हमने, अननोन एक्स हमारे पास यहाँ से आ जाए, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ देते हैं पहले अपन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 शुड बी मिक्स्ड विद 40 ml ऑफ 0.1 मोलर NaO सॉल्यूशन सच दैट रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 S6/55। अब आप ये देख लीजिए H2SO4 ले रहे हैं और NaO से रिएक्शन करा रहे हैं, तो लिमिटिंग रिएजन हमारा NaOH होगा क्योंकि ये खत्म हो जाना चाहिए, ये बेस खत्म हो जाएगा, एसिड हमारे पास बच रहा है चूंकि। तो हमने XML मान लिया जो हमें निकालना है, तो XML है 0.2 मोलर H2SO4।
तो मोल हमारे पास आ जाएंगे, मिली मोल के बारे में बात करता हूँ, मोलाइटी इंटू वॉल्यूम कर लूँ मैं, तो ये मिली मोल आ गए H2SO4 के। NaOH जो है 40 ml था 0.1 मोलर, तो ये मल्टीप्लाई करने पे 4 mmol NaOH के। रिएक्शन लिखी, बैलेंस करी, H2SO4+2NaOH गिव्स Na2SO4+2H2O। हमारे पास इसके मिली मोल 0.2x और ये 4 लिमिटिंग रिएजेंट था, तो खत्म हो गया, 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये खत्म होगा 0.2x-2, क्योंकि ये 4 खत्म होगा तो साथ में ये 2 खत्म होने वाला है, तो मिली मोल रिमेनिंग H2SO4 आ गए। तो H2SO4 रिमेनिंग अगर मेरे पास आ गए तो अपॉन टोटल वॉल्यूम मिली लीटर में, एक्स हमने मिलाया था H2SO4 40 ml NaOH था, मिलाने के बाद ये रिजल्टिंग 6/55, ये क्वेश्चन में दे रहा है कि 6/55 फाइनल मोलाइटी होनी चाहिए, सॉल्व करने के बाद आप क्या निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ। नाइन्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 ml ऑफ 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन डेंसिटी इज गिवन, वास एडेड टू 100 ml ऑफ अनादर NaOH सॉल्यूशन व्हिच हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.5 g/ml कंटेन्स 20 mass% ऑफ NaOH, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस इन लिबरेटेड हीटर व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद फाइनल सॉल्यूशन। और हमें रिएक्शन दे दी एल्यूमिनियम प्लस NaOH से NaAlO2+ हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 NaOH सॉल्यूशन मिलाए हैं और उसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवाई है। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कितनी गैस निकलेगी लीटर में, तो गैस हमारी निकल रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास ए सॉल्यूशन था 100 ml 5 मोलर, तो 100 ml को मैंने 0.1 लीटर लिखा, मल्टीप्लाई कर दूं मोलाइटी इंटू वॉल्यूम, तो मोल एने वो आ गए 0.5 मोल। ठीक है, डेंसिटी इसकी गिवन है इस तरीके 1.2। बी सॉल्यूशन मेरे पास 200 ml था एने वो में, डेंसिटी इसकी 1.5 g/ml थी, 20% वेट बाई वेट एने वो था। अगर मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देता हूँ, तो मास आ जाएगा सॉल्यूशन का 300 ग्राम। ठीक, इसमें 20% NaOH पड़ा हुआ है, तो इसमें 60 ग्राम NaOH है, तो मोल NaOH हो जाएंगे 1.5। अब NaOH ए सॉल्यूशन में 0.5 और दूसरे में 1.5, तो मोल NaOH टोटल आ गया मेरे पास 2 मोल। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम से करवाई NaOH की, तो इससे हाइड्रोजन गैस निकली। बैलेंस करने के बाद मैंने मोल मोल एनालिसिस लिखा, तो मोल मोल एनालिसिस में N NaOH/1 इज इक्वल टू N H3/2, NaOH के मोल ये 2 मोल रख देना है, तो हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे हमारे पास, जितने मोल आएंगे मल्टीप्लाइड बाई 22.4 करेंगे, तो वॉल्यूम हाइड्रोजन का लीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, इसके बाद हमसे बोला है ए ड्रॉप 0.05 mmol ऑफ 12 मोलर HCl इज स्प्रेड ओवर थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, थिकनेस दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, अज्यूमिंग होल ऑफ द HCl इज यूज्ड टू डिसॉल्व एल्यूमिनियम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरिया प्रोड्यूस इन द फॉइल। तो एल्यूमिनियम की फॉइल है जिसपे हमने ऐड कर दिया HCl, HCl क्या करेगा एल्यूमिनियम को डिजोल्व कराएगा और यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द होल, ये होल HCl डालने पे बना। ठीक है, तो देखिए होल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, एरिया हमने मान लिया 1 cm², ये हमें निकालना है, थिकनेस 0.01 cm का होल बना है, तो ये वॉल्यूम आ गया 0.01 cm³, इसको ml में भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक, अब मास इसका क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारे पास एल्यूमिनियम की है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे मास आ गया इसका, इस होल में से जो एल्यूमिनियम निकला उसका मास आ गया, तो मोल एल्यूमिनियम क्या आएगा, मोलर मास से डिवाइड कर दो इस मास को, तो इतने मोल एल्यूमिनियम के हट गए वहां से होल बनने की वजह से। अब ये होल बनाया किसने, HCl ने, HCl 0.05 ml ऐड किया मैंने 12 मोलर का। ठीक है, तो मोल HCl के आ जाएंगे, 0.05 लीटर में चेंज किया इंटू 12, तो इतने मोल हमारे पास HCl के यूज हुए रिएक्शन में, इसको मोल में यहाँ लिख दिया मैंने। अब रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस HCl विल गिव HCl3+3/2H2, बैलेंस करके रिएक्शन लिखी है मैंने, मोल मोल एनालिसिस लिखा एन एल्यूमिनियम बाई 1 एन HCl बाई 3। ठीक है, HCl के मोल हमारे पास इतने निकले थे डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एल्यूमिनियम के मोल हमने इतने हटाए थे, यहाँ से एक्स आ जाएगा और x आने के बाद ये x हमारा क्या निकला है, एरिया इज इक्वल टू 1 cm². तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने डीपीपी नंबर 14 के किए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जेईई एडवांस की तैयारी करने वालों के लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेगा। ठीक है,